हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपने कभी पार्ले जी बिस्किट से बना पेन केक खाया है? सुनने में ही अलग सा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए बिस्किट पेनकेक। इस पेनकेक को बनाने में मैक्सिमम आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा और इसे बनाने में खर्चा भी 10 से 20 रुपये का ही है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट पेनकेक बनाने के लिए मैंने 10 से 12 पार्ले जी बिस्किट लिया है और उसमें डाल दिया है आधा कप दूध। फिर दूध और बिस्किट को हमें इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि हल्की सी भी लंप्स ना रह जाए। फिर इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर इसे मिक्स करेंगे। फिर एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालकर इसे टिश्यू से पूरे पैन में फैला देना है। हमने पैन में तेल इसलिए लगाया है ताकि पैन से बैटर चिपके नहीं। फिर बैटर डालने के बाद इसे तब तक पकाना है जब तक एक साइड से इस तरह के होल ना दिखे। जैसे ही एक साइड से इस तरह के होल आ जाए, इसे पलटकर दूसरे साइड से पका लेंगे। फिर इसे पकाने के बाद इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालकर सर्व करेंगे। सो लीजिए गाइस, हमारा बिस्किट पेनकेक बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना डिलीशियस और माउथ वाटरिंग लग रहा है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। सो आप भी इसे जरूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें, ये सबको बहुत पसंद आएगा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।